आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल स्टर फ्राई। तो चलिए वेजिटेबल स्टर फ्राई बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, हमने गैस को अभी लो मीडियम के बीच में रखा है। उसमें 1.5 टेबल स्पून ये कोकोनट ऑयल हमने लिया है, आप इसके बदले कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये डालेंगे, ऑयल को मेल्ट होने देंगे, सब तरफ ऑयल को फैला देंगे। ऑयल मेल्ट हो चुका है, अब इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज डालेंगे। प्याज को भी तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे, गैस हमने मीडियम पे की है। प्याज भुना जा चुका है, इसमें 7-8 कलियां चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और इसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं करना। लहसुन भी भुना जा चुका है, अब गैस को मीडियम हाई पे कर देंगे। सबसे पहले इसमें गाजर और फ्रांस बीन डालेंगे। ये हमने फ्रांस बीन के छोटे टुकड़े काट लिए थे, और एक गाजर ली थी इसको भी हमने गोल काट लिया। फ्रांस बीन हमने 6-7 कलियां ली थी। गाजर और फ्रांस बीन को हम इसलिए पहले डाल रहे हैं क्योंकि इन्हें पकने में टाइम लगता है। इन्हें हम 2 मिनट तक पकाएंगे। गाजर और फ्रांस बीन को पकते 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ये हमने 3 बड़ी बड़ी मशरूम ली थी, उन्हें ऐसे काट लिया था, ये भी डाल देंगे। और ये कॉलीफ्लावर है, इसके 7-8 फ्लोरेट्स हैं, ये भी डालेंगे। ये ब्रोकली है, इसके भी 7-8 फ्लोरेट्स हैं, ये भी डाल देंगे। और ये ब्रोकली के स्टेम्स हैं, उनको भी हमने पील करके ऐसे लंबे टुकड़ों में काट दिया जो सॉफ्ट थे थोड़े, ये भी ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार स्टर करेंगे ताकि सब्जियां नीचे नहीं लगें। गैस को हमने मीडियम हाई पे रखा है। साथ में इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार या 1/4 टीस्पून, काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें 2 मिनट तक पकाएंगे। सारी सब्जियों को पकते 5-6 मिनट हो गए हैं, हमें इनको क्रंची रखना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। अब इसमें ये शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे और पत्ता गोभी भी, क्योंकि ये शिमला मिर्च जल्दी नरम हो जाती है। ये हमने तीनों कलर्स की शिमला मिर्च ली है, 2-2 टेबल स्पून, ये हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च, ये सब 2-2 टेबल स्पून ली है हमने। और ये कैबेज भी ली है, ये भी 2 टेबल स्पून है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें 1 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी नरम हो जाती है। इसे भी हमें क्रंची रखना है, गलाना नहीं है। गैस को हमने मीडियम हाई पे ही रखा है, क्योंकि जो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स होती हैं वो हाई फ्लेम पे ही पकाई जाती हैं। शिमला मिर्च और कैबेज को हमने 1.5 मिनट ही पकाया है, इन्हें भी क्रंची ही रखना है। अब ये कुछ ब्रोकली के पत्ते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इन्हें 15 से 20 सेकेंड तक पकाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इन्हें। हमारी स्टर फ्राई वेजिटेबल तैयार है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, वेजिटेबल स्टर फ्राई। ये बहुत ही हेल्दी मील है, आप इसे लंच टाइम भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।